ठीक है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह के नाम से ताकि अल्लाह आपको अकल दे थोड़ी। ठीक है, फिश मार्केटिंग। सबसे पहले अगर कोई बिजनेस का किसी यहाँ पर किसी का ताल्लुक बिजनेस की फील्ड से है तो वो इस चीज को एग्री करेगा। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बताओ? मार्केटिंग का मतलब बोलो क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना ताकि वो बिके, ताकि वो सेल आउट हो। आम जबान में हम मार्केटिंग को बोलते हैं प्रमोशन। क्या कहते हैं? प्रमोशन। बिजनेस के स्टूडेंट इस चीज से डिनाई करेंगे, बोलेंगे मार्केटिंग के में इसके अलावा भी होती है चीज। लेकिन अगर आपको कोई लगता है ना, जैसे शामिर ने मेरा पोस्ट डाला, तो शामिर को क्या बोलेंगे? वाह यार, तुमने सर की मार्केटिंग की, क्या तुमने सर की मार्केटिंग की। तो फिश मार्केटिंग का मतलब ये किस तरीके से फिश किसान, फिश मैन से लेकर, फिश फार्मर से लेकर चलती है और हमारे तक जो है वो ट्रेवल कर करके आती है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दैट। देखिए, हमारे पास फिश मार्केटिंग दो जगह पे होती है। एक है ग्वादर। ग्वादर कौन सा प्रोविंस है? बलोचिस्तान। ठीक है, फटाफट से मुझे सुनाओ, पट्टी सुनाओ, साहली पट्टी। कराची, सोनमियान। लाइन से, लाइन से पहली कौन सी बोलोगे? सोनमियानी। यार क्या हो गया, सुनाओ तुम। जीवानी, सबको ये याद है। ठीक है, इसको हम टोटली एक कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरान कोस्ट। ठीक है, तो गवादर के अंदर, ठीक है, फिश मार्केटिंग किस तरीके से होती है देखो। मैं जरूर तुम लोगों को अभी जो मेरा आर्टिकल नया रिसेंट में छपा है उसमें जरूर जाके देखो। जिन फैमिलीज का मैं इंटरव्यू करता हूँ, लाइक वो बलूचिस्तान से, लसबेला डिस्ट्रिक्ट से, पसनी से हैं, और मारा से हैं, गवादर से, वो हमें ये बताते हैं कि हम लोगों के पास पहले जमाने में हमारे माँ बाप, लाइक जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, ही वॉज अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड, कितने, वो बोले हमारे जो माँ बाप थे वो हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी मछलियां लेकर के आते, समंदर से लेकर आते थे। ठीक है, वो उरमाड़ा पसनी के रहने वाले, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गवादर में किस तरीके से होता है। तो इससे हमें हिंट क्या मिली है? हिंट ये मिल रही है कि जो हम मछली पकड़ते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ पर सेल आउट करने की कोशिश की जाती है? लोकल मार्केट्स में। सबसे पहले जो फिश आपकी गवादर में पकड़ के बिकी जाती है वो लोकल मार्केट्स के अंदर बिकी जाती है। जिस तरीके से कराची के अंदर मछली मार्केट है, ये हमारी यहाँ पर मछलियां बिकती हैं, और दूसरी जगहों पर भी जो है ना वो फिश मार्केट है, वहां पर जो है वो मछली बिकती है। तो सबसे पहला टारगेट फिश को मार्केट करने का या फिश को पहुंचाने का, बोलो साथ में, कौन सी मार्केट्स तक होता है? लोकल मार्केट्स। हमेशा याद रखो, लोकल मार्केट्स। ठीक है, लोकल विलेजेस जैसे गवादर है, पसनी है, ओरमाड़ा है। ठीक है, इसके अलावा आपस में दूसरी विलेजेस तक भी जाती हैं, उत्थल है, एक्सेट्रा, खुजदार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मछलियां बेची जाती हैं, बट दीज एरियाज आर नॉट ऑन द मकरान कोस्ट। गवादर, पसनी, ओरमाड़ा, सोनमियानी, जीवानी, ये सब मकरान कोस्ट में। दोस्तों, कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि फिश मार्केटिंग का पहला स्टेप गवादर में ये है कि इट इज सोल्ड टू द लोकल मार्केट्स ऑफ विलेजेस लाइक गवादर, पसनी एंड ओरमारा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो क्वालिटी होती है, और अब हमें वो सीनियर बता रहे थे कि अगर अब हम मछली खाने जाते हैं ना, तो इतने बड़े बड़े, आपको पता है 25-30 किलो का भी एक दाना होता है, इसको बोलते हैं दाना। क्या बोलते हैं? एक पीस को वो लोग बोलते हैं दाना। 25-25 किलो का एक दाना होता है। ठीक है, अब वो लोग बोलते हैं अब तो ऐसी इतनी सी छोटी छोटी मछलियां मिलती हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि अब मछलियां दरिया में से क्या छोटी हो गई हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं? नहीं, ये हो रहा है। एक इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो वो कम होती जा रही है, एक तो ये हो सकती है। लेकिन दूसरा, एक क्वालिटी जो मछली है, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो सीधा कहाँ जाता है? बाहर। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर गवादर में जो लोकल मार्केट में मछलियां बिकती हैं, दैट इज यूजुअली ऑफ द अच्छी या लो लो क्वालिटी, इट इज ऑफ द लो क्वालिटी। तो पहला मार्केटिंग के अंदर स्टेप ये हो गया। ठीक है, दूसरा, अच्छी जो मछलियां होती हैं उसको फ्रीज कर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड्स कराची। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? टूवर्ड्स कराची। यानी फर्ज करो मैं तुम्हें बोलूं, ये मैप है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा गवादर है, यहाँ से साहली पट्टी के थ्रू आती है, कहाँ पर आ जाती है? कराची। कहाँ पर आती है? कराची। ठीक है, ज्यादातर जो अच्छी क्वालिटी की मछली होती है वो बलूचिस्तान में लोकल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाती है? कराची। व्हाई डू यू थिंक कराची आती है? क्योंकि कराची आने के बाद यहाँ पर इसको या तो कैन किया जाता है या सुखाया जाता है, सूखी मछली, ड्राइड फिश, ठीक है, या फिर ये सारी चीजें करने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है? मिडल ईस्ट, यूएई। ठीक है,
इन जगहों के ऊपर आपकी मछली जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो तुम लोगों को नहीं पता है, जो बुक्स में भी नहीं है और किसी टीचर्स के नोट्स में भी नहीं होगी, है शर्त है क्या, आप लोगों की मछली। अब हमारे जो होशियार लोग हैं ना, वो पता है क्या कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हम अपनी गवादर की मछली श्रीलंका कराची भेजें। देखिए मैं आपको सुना रहा हूँ, कोशिश करें समझने की। मछली कहाँ की है? गवादर की। ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आती है? कराची। कराची से मुख्तलिफ इलाकों में जाती है, जैसे यूएई है, श्रीलंका है, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे। अब लोग पता है क्या करते हैं, गवादर से यहाँ लाके, यहाँ लाने की बजाय अब लोग कोशिश ये करते हैं कि गवादर से इस मुल्क भेज दिया जाए। कहाँ पर भेज दिया जाए? ईरान। कहाँ पर भेज दिया जाए? ईरान। समझ रहे हो बात को? क्योंकि बलूचिस्तान के इस तरफ हमारे पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा लगता है? ईरान, ठीक है। अब ये कोशिश की जा रही है कि ईरान में, अब ईरान में कैसी वैल्यू एडेड? नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा ऐसा कोई फैसिलिटीज ऐसी करके भेजें कि वहां पर जाके मजीद प्रोसेस है, कैनिंग है, सॉल्टिंग, ये सारी चीजें हो सके। क्योंकि ये करने में हमें ज्यादा प्रॉफिट है बनिस्बत कहां पर भेजने में, जैसे फर्ज करें श्रीलंका भेजने में। डज दैट मेक सेंस फॉर यू ऑल? ठीक है, इसी तरीके से हर जगह पे पैसा बनाने वाले आपको कैपिटलिस्ट लोग मिलेंगे, ठीक है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में पैसे बनाना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो मछलियां होती हैं इनको ओपन मार्केट में खरीद लेते हैं, इनको ओपन मार्केट में खरीद लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो मछेरे फिशमैन पूरे इतने 2,000 जो है ना वो किलो मछली पकड़ के आए, ऑक्शन करते हैं, पूरा जहाज आए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको पता है हमारे यहाँ पर जो जैसे पर्सन पेपर है या अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स है, ये सारी चीजें कंटेनर जहाज में आती है, ठीक है, शिप्स के जरिए। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं लमसम सौदा करते हैं, 1 करोड़ में मुझे जहाज दे दो, उसमें जो भी निकला वो उस बंदे का लमसम सौदा। सो क्या कहते हैं? लमसम डील। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पता है क्या करते हैं, जब मछली पकड़ के शिप्स आती हैं तो उनको बोलते हैं लमसम। तो तुम लोग 3 मछलियां पकड़ के आ रहे हो 2,000 टन, मैं बोलूंगा यार मैं तुमसे खरीदने को तैयार हूँ, मुझसे ले लो 30 लाख रुपए में, डन कर। समझ रहे हो बात को? मिसाल दे रहा हूँ। शामिल बोलेगा मुझे दे दो 31 दे दो, 31 दे दूंगा, 31 दे दूंगा। शामिल बोलेगा 31,200 रुपए दूंगा, तुम लोग उसके साथ ले जाओ, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इसको कहते हैं ऑप्शन। तो ओपन मार्केट में इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं। फिर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फ्रोजन, यानी कि आप देखें या नाहिद जाएं, इम्तियाज जाएं, यहाँ पे आपको मछलियां मिलती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर, मछलियां मिलती हैं पैक हुई हुई। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये बल्क में खरीद लेते हैं, उसके बाद रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इन सबको बेचते हैं। ये इन्वेस्टर खरीद के 30 लाख 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके वो ऐसा बोलेगा लो एक मछली लो दो कितने रुपए किलो है? नहीं, वो तो बड़े बड़े होलसेलर्स और रिटेलर्स को ढूंढेगा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ढूंढेगा, वहां पर अपना सामान जो है वो बेच देगा। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर हम गवादर की मार्केटिंग को समअप करें तो सब बोले पहला काम क्या है, जो पकड़ा जाता है वो लोकल मार्केट में लो क्वालिटी का बेचा जाता है, जो बेहतर क्वालिटी का होता है वो कराची आता है। कहाँ आता है? कराची आता है। कराची से वो अलग अलग कंट्रीज जाता है, श्रीलंका जाता है, इसके अलावा जो है वो यूएई जाता है। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, अब गवादर से यहाँ पर लाने की जगह है, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली सेंडिंग फ्रॉम गवादर टू ईरान, क्योंकि हमें उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। और उसके बाद इन्वेस्टर्स का रोल, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब मछली पकड़ के शिप्स आते हैं, जहाज आते हैं, तो पूरे का पूरे जहाज एक साथ होलसेल बल्क में खरीद लेते हैं। समझ आ रही है वो कैसे खरीदते हैं? ऑक्शन करके खरीदते हैं, सही है, कि दरिया में से इतने बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, ऑक्शन होता है लिटरली। आप सी सी उसमें कभी जाए, केमाड़ी वगैरह पर जाए तो आपको नजर आएगी ये चीजें, लिटरली ऑक्शन होता है कि यार पूरे तुम्हारे पास 10,000 किलो मछली है, कितना लोगे? समझ रहे हो बात को? Are you getting my point? ठीक है, तो लाखों रुपए में वहां सौदा होता है, ठीक है। अच्छा, एक एडवांटेज जो इन इन्वेस्टर्स को हो जाता है वो ये होता है कि इनको जो है ना वो एडिशनल कोई चार्ज देने की जरूरत, एडिशनल चार्ज इन सेंस के अगर वही मछली पोर्ट पर आए, सारी फ्रीट चार्जेस लगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे, तो वो उससे बच जाते हैं। तो वो डायरेक्टली खरीदते हैं कि भाई उतर रहा है जहाज, आ रहा है किनारे, उसी को डील कर लेंगे कि भाई ये जहाज जो है ना वो रोकने की जरूरत है, पोर्ट पे हमारा सब कंटेनर जाएंगे उसमें भरेंगे, डील करो कितने लोगे अपने पूरे जहाज के, तो 10,000 किलो मछली है तो आप लगाएं, हिसाब लगा लें, ठीक है, समझ आए? एग्जैक्टली, समझ गए, ठीक है, सही है ना? तो
लॉस प्रॉफिट नफा नुकसान जो भी नसीब हुआ वो उसका, ठीक है, लेकिन कभी लॉस होता नहीं है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आपको पता है लोग इस तरीके से बल्क बाइंग कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं, एग्रीकल्चर पूरे के पूरे खेत खरीद लेते हैं, बोलते हैं जो भी फसल है पूरी हमें दे दो, और फिर वो लाके होलसेलर्स रिटेलर्स वगैरह को बेचते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल टू शो यू गाइज के किस तरीके से मछली, ये क्या लग रहा है, वो है मिश्री है, ये बर्फ है, ठीक है, मछली को मिश्री खिला रहे हैं, नहीं ये आइस है, क्या है, आइस है, ये इस तरह जो है ना वो मछली को यू नो फ्रीज करके आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Why do you think it is it necessary to add ice? Yes, exactly. freeze लेकिन क्यों करनी है, ताकि खराब नहीं हो, ठीक है, स्पॉइल्ड नहीं हो गर्मी की वजह से, कोई मसला है यहाँ तक? बिल्कुल, ड्राई आइस भी यूज होती है और नॉर्मल जो बर्फ होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की जो है ना वो मछली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और करने वाला कौन है, उसके पास कितना फाइनेंस है, कितने रिसोर्सेज है, ठीक है। यस, यूजुअली ड्राई आइस यूज होती है, दैट लास्ट लॉन्ग एक्चुअली। अच्छा, इसी तरीके से फिश मार्केटिंग इन कराची, ठीक है, कराची में क्या सीन है, कराची के अंदर ये सीन है, आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारा ये खरीद के होलसेलर्स या रिटेलर्स को बेचते हैं, वो जो होलसेलर या रिटेलर्स होते हैं वो किसको बेचते हैं, आप और मेरे जैसे लोगों को, ठीक है, समझ गए बात को, दरिया सॉरी समंदर में से शिप्स आ रही है, इन्वेस्टर्स खरीद लेंगे उसे, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मैंने यहाँ पर जो है ना वो लिखा नहीं है बट यू कैन राइट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए इन लोगों को बेच देते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना वो बड़े बड़े होलसेलर्स हो गए उनको बेच देते हैं, ठीक है, रिटेलर्स को बेच देते हैं, जी बेटा लोकल शॉप्स में भी जो कुछ, नहीं नहीं नहीं, फिर वो क्या होता है, ये जो होलसेलर्स होते हैं और जो रिटेल होलसेलर, देखो सबसे पहले इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर जो है ना उसने खरीदा है, बाज़ औकात इन्वेस्टर अपना सारा ये काम दे देता है एक एजेंट को, किसको, एजेंट को, अब एजेंट के ऊपर है वो किसको किस कौन से होलसेलर को बेचे, ये जो एजेंट है वो होलसेलर्स को बेचता है, ठीक है, ये जो होलसेलर्स है वो किसको बेचते हैं, रिटेलर्स को या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना, और फिर ये लोग किसको एंड में चूना लगाते हैं, कस्टमर्स को। तो व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चेन हैज अ डिसएडवांटेज फॉर द एंड कस्टमर, व्हाई, एग्जैक्टली, होता क्या है विद ईच लेवल प्रॉफिट हर कोई अपना कमीशन चार्ज करता जाता है, समझ आ रही है बात, तो अगर कभी तुमसे सवाल आ जाए, स्टेट वन रीजन व्हाई Despite of so much catch of fish in Pakistan, consumers have to pay high. समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि तुम्हें क्यों high pay करना होता है? क्योंकि हर level के ऊपर जो है वो commission लग के आता है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे यहाँ पर आप लोगों ने नीचे देखा होगा सत्तार साहब बैठते हैं मछली बेचते हैं, ठीक है, दुनिया की सबसे दो नंबरी मछली बेचते हैं, दो नंबरी नंबर वो कहेगा सुरमाई और होती पता नहीं, उसको तो कुछ का तो अलग ही केस है, उसको कोई, ठीक है ना। सो कहने का मकसद ये, स्ट्रीट हॉकर्स या ठेले वाले जिसको आप कहते हैं या रेड़ी वाले, ठीक है, वो जो है ना वो फिश खरीदते हैं और हमें जो है ना वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली, ठेला होता है ना एक्चुअली वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो है ना वो खरीदते हैं, और अब तो मैंने देखा है हमारे यहाँ मछली बाजार ज्यादा हो गए, मैं आज नीचे गया था मैंने तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए, बट मुझे जो है ना वो मोबाइल लेना मैं भूल गया था, मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा तो काम से तो मैं तस्वीरें लूंगा, बट मैं मोबाइल लेना, लेकिन खैर मैं बस इनकी ओरिजिनल तस्वीरें हैं जो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि किस तरीके से जो है ना वो बिकता है, ठीक है, और आप लोग सब अपने नीचे यूं उठा के नजरें नीचे देखें तो आप लोग दिखेगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीट हॉकर्स, ठीक है, या रेड़े वाले। उसके बाद ये बात हमने जिक्र किया कि कराची से जो है वो फिश कहाँ पर जाती है, टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज वाले हमसे क्या ऐसे ही मछली काटी भी ले लेंगे, नहीं, उसको इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, द फिश इज प्रोसेस, द फिश इज, याद करो मैंने बताया था ये चैप्टर का नाम क्या है, फिशिंग इंडस्ट्री, क्या नाम है, फिशिंग इंडस्ट्री, मैंने तुम्हें बताया था कभी भी इंडस्ट्री आए तो उसके अंदर इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं और आउटपुट्स होता है, तो ये प्रोसेसेस हैं फिशिंग इंडस्ट्री के। सॉल्ट का मतलब होता है नमक लगाना, ठीक है, ड्राई कैन का मतलब होता है छोटे छोटे डब्बे बनाना फिशेस के, ठीक है,
यस, किसी तरीके से ड्राइड फिश का मतलब है मछली सुखाना, सूखी मछली खाई है किसी ने, सूखे सूखे प्रॉन्स खाए खाए हैं तुमने, खाए हैं और कोई किसी ने खाए कंदे वो तो आपके। हाँ बेटा, तो जो ड्राई प्रॉन्स होते हैं उनको भी पकाना पड़ता है, कच्चे नहीं खाते। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, अब एक सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास ऐसा सब किस तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनके पास कूलिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं, तो वो एक साथ खरीद लेते हैं। अगर आज नहीं, कल नहीं, महीने नहीं, 2 महीने बाद भी वो अपनी मछली बेचते, समझ रहे हो, उनको टेंशन नहीं होती है। स्ट्रीट हॉकर जो है ना बेचारे, रेड़े वाले, इनको टेंशन होती है कि हमारा नहीं बिका तो कल तक मछली टिकेगी नहीं। ठीक है, वो अलग बात है कि सरकार उसको बेच देता है फिर भी 5 दिन बाद भी, लेकिन कहने का मकसद ये, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पूरी फैसिलिटीज होती है, वो अपनी मछली को, अपने कैच को स्टोर करते हैं। तो अगर 6 महीने तक उनको कोई गिराव नहीं भी लगा तो भी उनको बोलते हैं हमें की फर्क पड़ता है, पढ़िए बंदे। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ओके, और फिर इसी के साथ हम कराची जैसे वालों को कभी ताजी मछली मिलती नहीं है, फ्रोजन मछलियां मिलती रहती है। क्योंकि जब इन्वेस्टर, ऐसा भी होता है जब इन्वेस्टर को बाहर कोई ग्राहक नहीं मिलता, कोई कस्टमर नहीं मिलता, तो वो लोकल मार्केट्स में सस्ते दाम में निकाल देते हैं, हम उसको खा भी लेते हैं। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक, कोई इश्यू? अच्छा, सवाल है, डिस्क्राइब द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मरीन फिशिंग। वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो मरीन फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले बोले कौन कौन से। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच, कैचिंग, कैचिंग, थैंक यू ईशद, ये लो बस। कैचिंग के बाद के प्रोसेसेस बताओ। सबसे पहले गटिंग, क्या कहते हैं गटिंग, इसको एक और नाम दो, कौन बताएगा? 100 रुपीज कैश? हाँ 100 रुपीज कैश रिवॉर्ड नहीं, गलत है। डीबोनिंग क्या कहते हैं? डीबोनिंग क्या कहते हैं? कांटा निकालना मछली में से, ठीक है, या आंते निकालना, ठीक है, गटिंग इसको कहते हैं। उसके बाद ये क्यों की जाती है कटिंग, गटिंग, तो इसका मतलब ये रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड वेस्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट या पार्ट, प्रोडक्ट या पार्ट भी लिख सकते हैं, दैट कैन नॉट बी ईटन, ठीक है। मछली की आंखें खाई हैं आपने कभी? मछली की आंखें भी लोग खाते हैं भाई, वो कहते हैं ना आंसर, बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कटिंग कर दी, उसके बाद आप क्या करते हैं बोले? सॉल्टिंग, क्या करते हैं? सॉल्टिंग। सॉल्टिंग का दो मकसद है, एक तो नमकीन मछली हो जाती है, दूसरा ये होता है कि इन ऑर्डर टू, यस, प्रिजर्व इट्स मीट, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, तो आपकी अगर कोई मछली खराब हो रही हो तो आप उस पर जाके नमक मारे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर मीट की चीज नमक लगाने से सही हो जाती है, ठीक है, और तरीके से नमक लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। इसी तरीके से ये दो चीजें हो गई, इसी तरीके से आपके पास, यस, कैनिंग, क्या है कैनिंग? कैनिंग का मतलब ये होता है कि पैकिंग द फिश इन यू नो कंटेनर्स, ठीक है। यूजुअली जिस तरीके से आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने जायद मियारी हो गई या रहमत श्री के इतने दीवाने होते हैं कि वो लोग बाहर से आते हैं ना तो अपने साथ टिन में पैक करा के लेकर जाते हैं, तो दैट्स वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। इसी तरीके से वेरी गुड, ड्राइंग, क्या प्रोसेस है ड्राइंग? ड्राइंग का मतलब होता है मछली सुखाना, जब आप मछली को ड्राई करते हैं तो यू गेट ड्राइड फिश एंड एंड प्रॉन्स, नहीं उसको धूप में सुखाते, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक, कोई इश्यू यहाँ तक? नहीं, पक्की बात है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो तुम लोगों को मरीन फिशिंग के अंदर आने चाहिए। कोई सवाल है, कोई इश्यू है, कोई मसला है? नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रोसेस, मार्केटिंग, जो हमने डिस्कस कर लिया, डज दैट मेक सेंस? ओके, फिशिंग पीरियड, वो कौन सा पीरियड है जो हम जो है ना मछली की मारने, मतलब मछली को मारने जाते हैं, ठीक है। विंटर्स, यस, इट्स द टाइम फ्रॉम नवंबर टू जनवरी, यानी बोलो बेटा सीजन कौन सा होगा, सीजन, क्लाइमेट याद करते हैं थोड़ा सा, विंटर, ठीक है, दिस इज आवर विंटर, यस और नो, ठीक है, दिस इज आवर विंटर सीजन अगेन,
जून एंड जुलाई जो है यानी ये इट्स स्टार्ट ऑफ कौन सा सीजन, यस स्टार्ट ऑफ मॉनसून, इसमें जो है ना वो सी इज वाइल्ड, सी इज वाइल्ड का क्या मतलब है, यस ऊपर होता है पानी, ठीक है, और ये मछली का कौन सा पीरियड होता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है, तो इसके अंदर बोला ये जाता है कि हमें मछली का शिकार नहीं करना चाहिए, तो वो अच्छा पाकिस्तान के अंदर वैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान फिशिंग पीरियड कौन सा है, ऑल अक्रॉस द ईयर, सही है, हम इतने जो है ना वो माशाल्लाह से काबिल हैं जो के जो है ना वो नया पाकिस्तान है ना ये, ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सर्दियों के अंदर जो है ना वो फिशिंग का टाइम पीरियड रेकमेंडेड है, ठीक है, फिश को पकड़ने के लिए नवंबर टू जैन, ठीक है, नवंबर टू जैन, अक्टूबर एंड नवंबर फॉर श्रिम्स या फिर प्रॉन्स, ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक, ओके, कौन से पीरियड में हमें नहीं करनी चाहिए फिशिंग, जून एंड जुलाई, ठीक है, ओके, सवाल ये है 4 मार्क का, एक्सप्लेन हाउ subsistence fishing can be improved. Subsistence fishing को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, अब जरा सीन सुनो, ये सवाल 4 मार्क का है, कितने मार्क का है, लेट से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसको डेवलप करके लिखो, मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा, तुम लोगों को बाकी 2 पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है, सो लेट से हम इसका आंसर लिखते हैं, कोई बताओ मुझे कौन सा पॉइंट लिखोगे, ओके वेरी गुड, सो मोटर बोट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू सब्सिस्टेंस फार्मर, बोलो अपने आप को मार्क करो, अगर कोई बच्चा ये जुमला लिखेगा कि मोटर बोट्स देनी चाहिए तो इसके ऊपर एग्जामिनर तुम्हें कितने मार्क्स देगा, 1 मार्क तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब इस पॉइंट को डेवलप कैसे करोगे, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करोगे, यस यस एग्जैक्टली, मोटर बोट्स कैन स्टे फॉर वीक्स, ठीक है, फॉर वीक्स इन द सी, ठीक है, एंड कैन ट्रेवल, यस एंड कैन ट्रेवल अप टू, यस 50 to 60 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, ठीक है, इससे क्या होगा, विच विल अलाउ, कम आएगा मछली, ज्यादा अलाउ अ बिग फिश कैच, कोई मसला, ठीक है, इस पे तुम्हें एग्जामिनर पूरे 2 मार्क दे देगा, ठीक है, डेवलप करने के लिए हमेशा आप लोग पेपर में जब टेस्ट करते हैं तो क्यों नहीं लिखते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को याद होगा तो आप लिखेंगे, तो प्लीज याद करें इसको, बोलें और बोलें कौन सा पॉइंट लिखना चाहते हैं, ओके सो ट्रेनिंग कुड बी प्रोवाइडेड, उससे क्या होगा, बोलें किस से रिलेटेड, यस ट्रेनिंग कुड बी प्रोवाइडेड रिलेटेड टू न्यू या मॉडर्न फिशिंग मेथड्स, ठीक है, अब इसमें तुम्हें 1 मार्क मिल गया, अब तुम मिसाल दो, क्या मिसाल दोगे, फॉर एग्जाम्पल, यस रेडार्स एंड सोनार्स, यस विच कैन डिटेक्ट फिश, ठीक है, should be made available, ठीक है, समझ गए बात को, Are you getting it? Training to use. यहाँ पर डाल दें training to use. Does that make sense? ठीक है. So इससे हमारी subsistence fishing जो है वो बेहतर होगी. Are you guys getting me? ठीक है. तुम लोगों को simple ये काम करना है. तुम लोगों को जो है ना वो इस पे एक और इस पे तुम्हें आकर 1 mark मिल जाएगा. ठीक है. Does that make sense? ये तुम लोगों का 4 mark का answer complete हो गया. हाँ जो बहुत टैलेंटेड बच्चा होगा ना टैलेंटेड बच्चा वो ये करेगा ट्रेनिंग कुड बी प्रोवाइडेड यहाँ पर वो एडिशन कर सकता था कोई बता सकता है किस चीज की एडिशन ट्रेनिंग कुड बी प्रोवाइडेड बाय किसी डिपार्टमेंट का नाम लिख देगा ठीक है मरीन फिशरी डिपार्टमेंट है ठीक है या जो है ना वो
यू नो WWF है, ये सारे लोग जो है वो हमारे को ट्रेनिंग करवा सकते हैं. ठीक है, डज दैट मेक सेंस फॉर यू ऑल? ठीक है, ओके. बिफोर वी मूव ऑन, ओके, तुम लोगों को इसको अपने पास जो है ना वो किसका आंसर लिखें, ठीक है सब, कि हाउ सब्सिस्टेंस जो है ना वो अगेन, हाउ कैन मरीन फिशिंग बी इम्प्रूव. ठीक है, मरीन फिशिंग को आप बेहतर किस तरह बना सकते हो. अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था दैट वॉज अबाउट हाउ सब्सिस्टेंस फिशिंग कैन बी इम्प्रूव. फर्क क्या है दोनों में शामिल? हाँ देखा, क्या मिस्टेक की इसमें, कौन पकड़ के बताएगा, बोले एग्जैक्टली. दो अलग अलग है, अक्सर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं. गाइस सुने, मरीन का ऑपोजिट है इनलैंड. क्या है मरीन का मतलब है कौन से पानी की, सॉल्टी सॉल्टी वाटर, खारे पानी की. और इनलैंड का मतलब है कौन से पानी की, मीठे पानी की. अब इनलैंड की हो, खारे पानी की मछली हो, या फिर मीठे पानी की मछली हो, दोनों में छोटे पैमाने भी होगी तो हम क्या कहेंगे, सब्सिस्टेंस. बड़े पैमाने भी होगी तो क्या कहेंगे, कमर्शियल. आर यू गेटिंग मी? दरिया से मछली पकड़ी है यानी इनलैंड फिशिंग की, अब खुद खाऊंगा तो सब्सिस्टेंस, बेचूंगा तो कमर्शियल. समंदर से पकड़ी है, खुद खाऊंगा सब्सिस्टेंस, बेचूंगा कमर्शियल. समझ रहे हैं? यस, यानी के हाँ पूछो. हाँ नहीं रहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं डेली यूजुअली डेली. हाँ नहीं आप समझ नहीं रहे हो ना, अगर हमारे पास बोट्स को इम्प्रूव करने का खाली मतलब थोड़ी होता है, एक बड़ी बोट्स ला दो. वेसल्स होती है ये, जिसके अंदर फिर स्टोरेज भी होता है और सारी चीजें फैसिलिटीज दी जाती है. तो बार बार रोज अगर किसी दिन नहीं मिला तो आए तो रोज ही, नहीं तो रोजा, ये वाला हिसाब करोगे. समझ रहे हैं आप बात को? तो इस वजह से इम्प्रूवमेंट, हर चीज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. अब आप देखें अपने आप को, जैसे आपकी अकल में गुंजाइश ही नहीं है इम्प्रूवमेंट की, आप मिलती नहीं अकल. अच्छा सवाल का जवाब समझ आया तुम्हें? ठीक है, हाउ कैन मरीन फिशिंग बी इम्प्रूव. तो पहला ये है आपको कौन सी बोट्स लगानी चाहिए. मैं कहना है हाथ से फार्मर चप्पू चलाते 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 लैला मजनू की कहानी करते करते ये हिसाब हमें खत्म करना चाहिए. मरीन फिशिंग को अगर बेहतर करना है तो वी नीड बोट्स विद इंजन्स, को यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, इंजन्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन द इंजन्स भी, और या फिर दूसरे हम ये लिख सकते हैं कि कौन सी बोट्स, मोटर बोट्स. कौन सी बोट्स, मोटर बोट्स. खास तौर पे आपको मोटर बोट्स आजकल कौन सी लेक में मिलेंगी, किंजर. लेकिन अगेन जस्ट बाय द वे किंजर इज अ लेक एंड नॉट मरीन फिशिंग. डज दैट मेक सेंस? कोई मसला है अगर? नहीं, पक्की बात है. ओके, ये पॉइंट जो है वो हमने पीछे समझा दिया मैंने आपको कि अगर आपकी मैकेनाइज्ड बोट्स होंगी ज्यादा दिन तक ट्रेवल कर सकेंगी, स्टे कर सकेंगी दरिया में और ज्यादा रेडियस तक ट्रेवल कर सकेंगी. डज दैट मेक सेंस? आपका कैच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. पहला. दूसरा, इंजन इंस्टॉल करें. ठीक है, लकड़ी की बोट्स को इम्प्रूव करें. तीसरा, फैसिलिटीज दी जाए. फिश के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहिए आपको? हार्बर क्या होता है बेटा? हार्बर, यस, वेयर शिप्स रेस्ट. ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? अब फैसिलिटीज हम हार्बर्स पे कैसे दे सकते हैं? कूलिंग सिस्टम्स, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, सॉल्टिंग की फैसिलिटी, ये सारी चीजें दी जा सकती है एट कराची फिश हार्बर. ठीक है, इसी के साथ साथ नए हार्बर्स बनाए जा सकते हैं. और उन, अब जैसे मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, पता है ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है नए हार्बर्स वाला? गवादर में सी पैक हुआ है, सही है. अब इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो नए हार्बर्स बने उसके अंदर पहले से ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करें. अभी तो जो है वो तो हमारे बुजुर्गों की तरह ढीले हो गए ना, बिल्कुल. ठीक है, इतने टाइम से. लेकिन जब आप नया स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो आपके पास बुनियाद रख रहे होते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको अंदर जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ खड़ा करें, डेवलप करें. समझ रहे हैं आप बात को? Does that make sense for you guys? Okay. ठीक है, तो it's particularly relevant for गवादर. क्यों? क्योंकि गवादर में कौन सा मुल्क काम कर रहे हैं? चाइना, अंडर सी पैक, अंडर सी पैक. ठीक है, अंडर सी पैक. क्या है फुल फॉर्म सी पैक का? यस, वेरी गुड, शाबाश.
किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं, इट्स इजी, इज इट? कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें। इनमें से कोई पॉइंट रिपीट कराने हैं? कौन सा? आप एक तो लेट आए ना, ठीक है। अगर कोई दूसरा टीचर होता है ना, वल्ला ऐसी तुम्हारी बजाता, ऐसी बजाता उस उनसे 100 गुना ज्यादा मैं बजा सकता हूँ तुम्हारे। अभी उठाओ गिरी नहीं करो, ठीक है ना। लेकिन मेरा मकसद ये कि अब मैं आपको बात तो क्लियर कर दूं ना, ठीक है ना। मैंने सिर्फ अभी तक 4 बातें बोली। मैंने सिर्फ बोला कि मरी, पहले ये बताओ मरी पता है क्या होती है? क्या होती है? कौन से? खारे या मीठे? खारे पानी की मछली, ठीक है। 4 तरीके मैंने बताए। पहला ये मैंने तरीका बताया कि आपने जो है ना वो मैकेनाइज्ड बोट्स लेकर आओ, पुरानी वुडन बोट्स को हटाओ, इंजन इंस्टॉल करो अपनी बोट्स में। उससे होगा क्या, बोट्स बेहतर होंगी तो वो ज्यादा दिन तक समंदर में स्टे कर सकेंगी, ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकेंगी, उससे फिश कैच बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट, आपने आखिरी वाला सुना कि हमें नए हार्बर्स बनाने चाहिए जिसके अंदर जो है वो लेटेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से देन आई सेड के फिश इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए या जनरली मरीन फिशिंग को प्रमोट करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए आप फैसिलिटीज दे सकते हो कराची फिश हार्बर पे। कौन सी फैसिलिटीज? कूलिंग फैसिलिटीज, रेफ्रिजरेटर फैसिलिटीज, वेयर हाउसेस दे सकते हो जहाँ पर आप सॉल्टिंग वगैरह कर सकते हो। डज दैट मेक सेंस? ओके। इसी तरीके से कुछ वी हैव सम अदर वेज, मार्केटिंग फैसिलिटीज बेहतर करो। मुझे बताओ बेटा लेटेस्ट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? लेटेस्ट मार्केटिंग कैसे की जा सकती है? थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। यस, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। यस, यूट्यूब है, यूट्यूब इज ऑल्सो यू नो वन ऑफ द वेज। लेकिन इनको हम, हाँ गूगल सबका नाम है तो हजरत गूगल का भी आना चाहिए। सबको मिला के बेटा हम क्या कहते हैं बोलो? सोशल मीडिया। गलत। इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट। इसको कहते हैं ई मार्केटिंग। बेटा क्या कहते हैं? ई मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो पहला हम ये तरीका कर सकते हैं, अगर हमें मरीन फिशिंग इंप्रूव करनी है तो हम मरीन फिशिंग को बेटर तरीके से मार्केट करें, बेटर तरीके से प्रमोट करें, इंटरनेट के जरिए करें। उसमें सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। आजकल तो हर चीज उल्टी सीधी, ये हमें हमारी क्लास है पढ़ाई हो रही है, ये अभी हम वीडियो डाल देंगे इतनी वायरल हो जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छा, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका मरीन फिशिंग को बेहतर करने का बच्चों को, ये है आप किसी को गाइड कर सकते, किसी को गाइड करना सबसे बड़ी बात होती है, तो गाइडेंस दी जा सकती है, ठीक है। गाइडेंस कैसे देंगे? ईमेल पड़ेगा किसान, किसान इन अ सेंस फिशमैन, फिश फार्मर, मछेरक, हाँ पर्सनल, इसको बोले कैंपेनिंग, कैंपेन्स करें, ट्रेनिंग कैंपेन्स चलाएं, और बोले ट्रेनिंग कैंपेन्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? वर्कशॉप, यस यू नो वर्कशॉप्स हैं। लेकिन वेदर के, ये तो ट्रेनिंग तो अपनी जगह पर है, ये आप लोग इस वाले पॉइंट को ज्यादातर बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ गाइडेंस देना, कैसे दी जा सकती है गाइडेंस? मौसम के बारे में आप फिशरमैन को कैसे अवेयर कर सकते हैं? थ्रू रेडियो, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग करवा सकते हैं रेडियो, एग्जैक्टली वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप, ठीक है, कि आज आपको कैचिंग करनी चाहिए, आज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग की बात हमने कर ली। इसी तरीके से आइस फैक्ट्रीज, क्या चीज? आइस फैक्ट्री, जिसमें बोलो पट्टी बोलो, सोनमियानी, होलमाड़ा, पसनी, गवादर, जीवानी, ठीक है, ये यूं हमारी मकरान कोस्ट है। तो इसमें पसनी में जो है बच्चों वो 16 आइस फैक्ट्रीज बनाई गई है। कितनी? 16 आइस फैक्ट्रीज। अच्छा, नेसेसरीली पसनी में नहीं बनाई गई है, लेकिन ये पूरी पट्टी के ऊपर यू कैन राइट ये ऑल ओवर मकरान कोस्ट। या कल को बोलेंगे सर हम गए पसनी, 16 फैक्ट्री नहीं की। कहने का मकसद ये, इसके आसपास जो है वो इलाकों में 16 कौन सी फैक्ट्रीज? आइस फैक्ट्री। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, सर्द खाना। क्या कहते हैं? सर्द खाना, ठीक है। यहाँ पर मछलियों को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये एक एग्जांपल है जो तुम्हें 6 मार्क वाले आंसर में काम आएगी, ठीक है। नया फिश हार्बर पसनी में बनाया जा रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास तो इतना वो नहीं था, ठीक है, फंड, तो किसने हमें हेल्प की? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। तो गवर्नमेंट के पास अक्सर इतनी फंडिंग्स नहीं होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो दूसरे इदारे हैं उनको अट्रैक्ट करती है, जैसे नॉर्थ में उन्हें एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स करने हैं,
उनके पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो लोग हम मदद लेंगे आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की, AKRSP, माइक्रो फाइनेंस, इस तरीके से जो है ना वो जगहों से मदद देते लोन लेंगे या बोलेंगे आप हमें ग्रांट्स दो थोड़ा सा। कोई मसला है यहाँ तक, कोई इशू है, कोई सवाल है? चलो जल्दी से समरी करो इसकी। पहला क्या था, पहला हमने ठीक है इसी स्लाइड्स पर से बता दो ठीक है। पहले मार्केटिंग बेहतर करें ठीक है, मार्केटिंग बेहतर करें। दूसरा किसके बारे में गाइडेंस, वेदर कंडीशंस के बारे में। इसके बाद ट्रेनिंग वगैरह दे, ट्रेनिंग किस चीज की दे, सोनार कैसे इस्तेमाल करने, रेडार कैसे इस्तेमाल करने, मैकेनाइज्ड बोट्स किस तरह चलानी है, ऐसा नहीं है कि बिल्ली मार रहा हूँ फिशर में पानी के अंदर ठीक है। इसी तरह आइस फैक्ट्रीज बनानी चाहिए ठीक है। यस एग्जैक्टली 16 हमारे पास बलोचिस्तान में बन चुकी। इसी के साथ साथ पसनी में हमने जो है वो नया हार्बर बनाया, फिश हार्बर बनाया है। डज दैट मेक सेंस? कोई इश्यू है यहाँ तक किसी को? नहीं, ओके। अब हमारे साथ जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम मछली बेचने की बार कोशिश करते हैं, तो उसमें मसला क्या क्या आता है आपको पता है? हमें 30 मुल्कों ने बैन किया हुआ है। कितना? 30 मुल्कों ने। फन फैक्ट याद रख लो, पाकिस्तान को इतना जबरदस्त शर्फ हासिल है कि हम 30 मुल्कों से बैन है, हम 30 मुल्कों में बैन है ठीक है। अब रीजंस पढ़ते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स में बेटा ऐसा क्या हो सकता है जिस वजह से हमें बैन मिला हो। तो पहला, हाँ पहला तो फैक्टर ये जिससे हम सब कनेक्ट क्यों ले, क्योंकि हमारे सबकी गंदे रहने की आदत है ठीक है। पाकिस्तानी एक सिनोनिम है एक हमारे लिए तरीके से। तो हाइजीन का क्यों मसला आता है? हाइजीन का मसला इस वजह से आता है, मैं तुम्हें इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देता हूँ, हालांकि ज्योग्राफी में काम नहीं आएगी, लेकिन सुनो, चाइना ने कोविड के टाइम पर, अभी थोड़ा टाइम पहले, पाकिस्तान ने पता नहीं कितने टन मछली उन्हें भेजी, चाइना ने वापस कर दी, बोला उसके अंदर कोविड वायरस। समझ रहे हैं बात को? सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, बट वो मना कर दिया, उन्होंने बोला कि कोविड जो है ना वो इसमें है ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बीमारी। हाँ बीमारी जी, नहीं हर वो तो ट्रेड तो रुक गया था, लेकिन मैं आपको ये खास एग्जांपल इसकी दे रहा हूँ इस वजह से क्योंकि वो लाइक दुनिया भर की मछली चाइना तो खाता है भाई, चाइना पूरी दुनिया को खा गया है। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने भी हमारी, क्योंकि हम आप देख रहे हैं ना, एक काम एक बंदे को करना है 10 लोग हाथ मार रहे हैं, ये मछलियां तो सीधा जन्नत में गई होंगी पाकिस्तानियों के हाथ लग के। ये देखे छोटा बेरा गुंगा सब खड़े हुए, सब मछलियों पे हाथ मार रहे हैं ठीक है, जैसे इनके ससुराल की हो ठीक है। चलो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स बार प्रेफर किए जाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स प्रेफर किए जाते हैं? हाइजीन प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? हाइजीन प्रोडक्ट। इसमें मिसाल क्या है, क्यों हमारे यहाँ पे अनहाइजीनिक समझा जाता है? क्योंकि हमारी जो कैनिंग फैक्ट्रीज है, आप इकरार उल हसन की किसी ने वीडियोस देखी है, वो राज फाज करता है कि हम रेस्टोरेंट्स के किचन में जब जाते हैं तो हाँ एग्जैक्टली वहां पर इंसान कम कीड़े ज्यादा होते हैं ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो कैनिंग फैक्ट्रीज हैं बेटा, कैनिंग फैक्ट्रीज क्या करती हैं? फिश को पैक करती हैं। क्या करती हैं? फिश को पैक करती हैं। किसमें पैक करती हैं बेटा? इन टिन्स एंड कंटेनर्स। किसमें? टिन्स एंड कंटेनर्स ठीक है। अब ये अलग अलग लोग बगैर हाथ पैर धोए सब काम कर रहे होते हैं ठीक है, तो वो बोलते हैं बाहर वाले मुल्क मालिक बोलते हैं, अभी हमने, मैंने अभी आपको बताया 30 कंट्रीज से हमें बैन होने का शर्फ हासिल आधी दुनिया से ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हमारे पास क्लीनलीनेस का मसला है ठीक है, जो बाहर के स्टैंडर्ड्स हैं क्लीनिंग के, पाकिस्तान फिश फॉल शॉर्ट। क्या लिखेंगे? पाकिस्तान फिश फॉल शॉर्ट ऑन द यूरोपियन क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स, ऑन द यूरोपियन क्लीनिंग स्टैंडर्ड। इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है कि ये क्या है? अनहाइजेनिक। क्या है? अनहाइजेनिक। इसी वजह से कहा जाता है पाकिस्तानियों की मछली अनहाइजेनिक है। Does that make sense? Okay. Again, दूसरा मसला ये हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के साथ हमारे जी, हाँ अगर ये बेटा ये जो है ना, ये जो जज्बात आप निकालते हैं, अगर ये नहीं निकाले तो पता थोड़ी चलेगी आपसे, नहीं निकलेगा बेटा, ये नेचुरली निकलता है जो उसका निकला ठीक है। सो ये देखें हम जरा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना। हमारे जो पाकिस्तानी फिश एक्सपोर्ट्स हैं
हमारा जो हम फिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, वो जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है। यानी तुम जस्ट इमेजिन करो ना, क्या तुम ऐसा खुली मछली को बाहर एक्सपोर्ट कर सकोगे इस तरह? ये ये कहाँ पर गया था मैं, जगह का नाम यार मैंने पूछी नहीं थी यार, नहीं नहीं वी कैन नॉट टेल, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं जिसका काम हो। यार ये जगह कौन सी थी, ये सिंध के अंदर कोई जगह है, मैं नाम भूल गया इसका, जुम्पेर, क्या नाम है, जुम्पेर, ठीक है, सही है, कोई मसला यहाँ तक? अब देखो मैं पॉइंट क्या बोल रहा था, मैं पॉइंट ये बोल रहा था कि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा, क्या ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं? नहीं। अब तुम लोग खाली सपोज करो, इस अंकल की डेस्क फॉर्म भी थोड़ा यूज करते हैं, खाली ये इसकी खुली मछली है और एक मछली आए यूं, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो मछली के चंक्स हो या इस तरीके से हो, ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ कौन सा ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, चंक्स वाली या ये, बोलो साथ में कौन सी प्रेफर किया जाएगा, चंक्स वाली, दिस इज पैक्ड फिश, या इसको आप कह सकते हो दिस इज कैंड फिश। तो बेटा जब आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होता है दिखने में, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। बेटा मुझे आप सिर्फ इतनी बात बताओ, आप लोग ये मुनव्वर जो शरबत वाला है डाकू, ठीक है, प्यार में बोलते हैं ना इसको बेटा, तुम्हें भी तो नाम दिया जाता है ना चिंटू मिंटू सारे, तो ये जो मुनव्वर, इसके आप लोग जो है ना वो शरबत पीना पसंद करेंगे या थर्स्टी का, क्योंकि आप बोलेंगे वो वैल्यू एडेड है यार, अच्छे से देता है, ये क्या करते हैं उसी में उसमें पिलाता है, क्या नाम है, बराबर में पूरी दुनिया को एक ही ग्लास में जो है ना वो पिलाता और वो आपको भी दे देता है, ठीक है, आप बोलेंगे भाई इसमें तो बीमारी है कोविड तो इनको लगता ही नहीं बेटा, बेटा ये ब्लड है, ब्लड है, ब्लड है, ठीक है, नहीं मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, बेवकूफ। हाँ तो बेटा मुझे बताओ, अब मैं तुम लोगों से पूछू, इस पिक्चर के अंदर ये प्रोडक्ट है, इज इट वैल्यू एडेड? नो नो इट्स नॉट वैल्यू एडेड, ठीक है। तो बच्चों मसला क्या है, मसला ये, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर नहीं होंगे तो हमारी बाहर रेपुटेशन बनेगी अच्छी, हमारे प्रोडक्ट्स को कोई खरीदना पसंद करेगा, वो बोलेंगे बेटा चलो बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स में मसला ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन का। अब मैं तुम्हें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब बताता हूँ, आम जबान में पहले मतलब समझ लो। एग्जामिनर तुमसे पूछेगा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, तुमने लिख दिया दे आर नॉट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तुमने लिख दिया दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज, एग्जामिनर खुश हो गया, ये हो गया तुम्हारा काम। लेकिन अच्छा स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इल्म वो होता है जो सीने पे उतरे, ठीक है। अब सुनो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, ऐसी मिसाल समझाऊंगा कि तुम समझ जाओगे। अब ये फर्ज करो शायान है, ठीक है, ठीक है, ये जो है ना वो अंसफ है, सही है, ये शायान का छोटा भाई है, ठीक है, ये शायान के पप्पा है, ठीक है, मिसाल है। अब मेरे खानदान पे आ जाओ, ये मैं हूँ, ठीक है, सबर करें सबर, देखें फीचर दिखाना था आपको, मतलब ये फीचर भी ये मैं हूँ, ठीक है, मेरा भाई है ही नहीं अभी, हो सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से और ले लो कोई भी, दो चार ऐड कर लो, हाँ ये ले लो, मेरे अब्बा को ले लो, ठीक है, स्टेप ब्रदर, मतलब देखो ना मैंने अभी कहा ना ये दामानी फैमिली की बात हो रही है, वो तुम्हारी क्या है कार्सन कार्साज, समझ रहे हो बात में? तो गाइस इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, देखो कोई एक इतना है, कोई एक इतना है, क्या ये सब स्टैंडर्डाइज्ड है, क्या सबका एक जितना है कद हाइट, क्या सबका हाइट एक जितनी है कद कद, मसला ये है कि मैं बोलता ना सबकी एक जितनी है, कोई नहीं हंसता, मैंने बोला सबका एक जितना है, तो भाई उर्दू जबान के बाजे बोलने वाले हो कद कद, ठीक है, काफ दाल कद। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कभी कोई मछली इतनी आती है, कभी कोई इतनी आती है, अंग्रेज बोलते हैं हम अगर 10 कैन खरीदे तो उनमें से बराबर वेट बराबर साइज निकलना, ये क्या हुआ, तो एक कैन खोला तो यूं आ गई, एक कैन खोला तो छोटी सी आई, एक कैन खोला तो इतनी आई, समझ गए? तो हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ तुम्हें तो है ना बेटा बवासीर है, अच्छा इधर देखें और क्या मसला है बेटा,
हम इतने बेगैरत होते जा रहे हैं दिन ब दिन के बच्चों को। किसान क्या करता है, बेचारा गरीब है ना, बच्चा पैदा इसलिए करता है ताकि खेत में आ जाए। बच्चा पैदा किया खेत आया, बच्चा पैदा किया खेत आया, खेत इस तरह क्रिकेट टीम निकाल देता है वो। लोग बोलते हैं भाभी जी कमर नहीं कमरा हो गई, ठीक है ना, ये इंडियन डायलॉग है ना, समझ रहे बात को। अब अपार्ट फ्रॉम जोक्स चलें देखे इधर सुने आ जाओ अब अपनी बस वरना मैं तुम्हें कुछ बना दूंगा। चाइल्ड लेबर का गाइस क्या मसला है, हमारे जो यूनाइटेड नेशंस हैं या ऐसे जो बड़े बड़े इदारे हैं इंटरनेशनल इदारे हैं वो बोलते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए ही नहीं जिसको बनाने में बच्चों की मजदूरी लगी हो। अब हमने स्लाइड्स में पीछे मैंने लेक्चर में कितनी तुम लोगों को वो दिखाई है जिसके अंदर जो है ना वो बच्चे काम कर रहे हैं, सही है, ये भी आप लोगों के सामने एक मिसाल है। तो चाइल्ड लेबर क्या होता है, चाइल्ड लेबर से हमारे प्रोडक्ट का इमेज नेगेटिव हो जाता है। इट इज कंसर्न्ड विद एथिक्स, इट इज कंसर्न्ड विद एथिक्स। जो यूनाइटेड नेशन है यूएन जो है वो ये समझता है कि ये अनएथिकल है बच्चों से काम कराना, 18 साल के छोटे बच्चों से काम कराना अनएथिकल है। यूएन क्या समझता है, काम कराना अनएथिकल है, ठीक है। तो वो बोलता है कि पाकिस्तान में चूंकि चाइल्ड लेबर है तो हम इसके फिश एक्सपोर्ट्स खरीदेंगे नहीं, समझ गए बात को, डज दैट मेक सेंस, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी को, पाकिस्तान में तो आप देखें ना बच्चों से काम कराया जाता है ना, पाकिस्तान में तो लीगल है लेकिन, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स है हमारी फिश एक्सपोर्ट्स में, तो फर्ज करें जिसमें पहला ये है कि हमारे पास इतने प्रोफेशनली डेवलप्ड हार्बर्स नहीं है, एक ही हार्बर है कराची फिश हार्बर, ठीक है। हाँ जाहिर है कि पसनी में हार्बर बन रहे हैं और उसी जगह पे गवादर पे अभी पोर्ट बन रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन होता ये है कि चूंकि कराची पर मेन बहुत ज्यादा बर्डन होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी फ्रेशनेस बाजोकात चली जाती है। बाजोकात ये होता है कि मछली खराब हो गई या उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी रह गई, तो इस वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, इस वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। शायान क्या समझ आया इस पॉइंट से, हंसफ क्या समझ आया, यस यस यस। बाज़ औक़ात ये होता है कि सारा जो वर्क लोड होता है वो किस पर आ जाता है, कराची फिश हार्बर पर। अब इतना लोड है, कौन सी मछली दब गई खराब हो गई, ये मसला हुआ, तो वो हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट। इसी तरह हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ, ग्रेटेस्ट मसला ये है कि हमारे पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स या कूलिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बेटा इस वजह से भी इतने ज्यादा नहीं है फिशिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट को इतना ज्यादा लोग जानते नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट इंटरेस्टेड, इट इज नॉट सपोर्टिंग द आइडियाज ऑफ एक्सपोर्टिंग न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स। डज दैट मेक सेंस, सही है। तो अब तुम लोगों को सवाल किस तरह आते हैं मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना। सवाल में गौर से देखना सब कोर्ट पे, ईयर बोलेगा, लेट से बोलेगा 2001, 2002, 2003, 2004 और बोलेगा क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्या बोलेगा क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, 1000 किलोग्राम, उसके बाद 2000 किलोग्राम, उसके बाद 1500, 1100, 800। तुम्हें बोलेगा भाई कि रिसेंट ईयर्स में बताओ भाई, रिसेंट ईयर्स में 2003, 4, 5 में या 2, 3, 4 में क्या हो रहा है बेटा, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। तो तुमसे बचकाना सवाल पूछेगा, बोलो भाई 2003 से 2004 में कितने कम हुए, तो तुम 1100 में से 800 को माइनस कर दोगे, इतने बेवकूफाना सवाल करता है, ठीक है। बोलता है कि मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क बताओ, तो तुम बोलोगे 1000 - 800 क्या आ जाएगा, 200, समझ रहे हो बात को। एक ये पूछेगा, फिर पूछेगा तुमसे कि बताओ क्यों एक्सपोर्ट्स कम हुए, तो हम वो तो तुमसे हद में दो मांगेगा, हमने कितने कर लिए, समझ गए बात, डज दैट मेक सेंस। कोई क्वेश्चन है वो, अच्छा ढके छुपे अल्फाज में ये भी पूछ सकते हैं, give reasons why there is a decline in the export, in the
कोई मसला समझ गए बात? ओके अब हम इसके ऊपर आते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से, दो मिनट का पॉज लेंगे। ओके सो गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर सकती है बूस्ट करने में फिशरीज को, ठीक है? गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकती है, ये बहुत रिपीटेड चीजें हैं, ठीक है? इसको हमने डिटेल में देख लिया है, तो आई वुड जस्ट यू नो फ्लैग ओवर देम, स्किम ओवर देम। तो पहली चीज ये है कि मॉडर्न फिशिंग मेथड्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें रेडार्स हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास सोनार्स हैं, ठीक है, गिल नेट्स हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ठीक है? गवर्नमेंट खुद यूज नहीं करेगी, इनको क्या कर सकती है, इंट्रोडक्शन कर सकती है, इनका इंट्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है? इससे क्या होगा, जब मॉडर्न फिशिंग मेथड्स आएंगे तो इट विल बूस्ट द फिश कैच, हाँ के ना? फिश कैच बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा, आपको एक एक चीज का मैं सिखा चुका हूँ। एग्जामिनर किस में इंटरेस्टेड है? एग्जामिनर ये इंटरेस्टेड है जानने में कि बच्चा ये पॉइंट लिखे। ये इंक्रीज कैसे करते हैं, रेडार्स वगैरह सोनार्स वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। गिल नेट्स बेहतर नेट्स होते हैं, ठीक है? हैंड स्टिच नहीं होते, ठीक है? आगे चलें, मजबूत होते हैं ये नेट्स, एक्चुअली हैंडमेड नेट्स के मुकाबले, यस, गिल से पकड़ते हैं, यस, वो हमने कल डिस्कस किया था। इसी तरीके से बेटा गवर्नमेंट ये कर सकती है कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है प्रीमियम प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या मतलब? प्रीमियम प्रोडक्ट्स या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जब बेटा प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी होंगे तो वो मार्केट में ज्यादा बिकेंगे, नहीं बिकेंगे? बिल्कुल बिकेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन मछलियां आती है, जिस तरीके से आप मुझे बताएं, आप लोग क्या KNS की चिकन खाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो कंपनीज हैं, ये इस तरीके से फ्रोजन जो है वो आइटम्स बना सकती हैं। इसी तरीके से कैंड फिश गवर्नमेंट को चाहिए, बिकॉज अगर आपसे पूछा जाए ना, अच्छा आई मीन ये आ सकता है सवाल एक तरीके से, सजेस्ट टू वेज, दो तरीके बताएं इन विच द गवर्नमेंट कैन एड वैल्यू टू द फिश प्रोडक्ट्स, कैन एड वैल्यू टू द फिश प्रोडक्ट्स। तो पहला रीजन क्या हो सकता है, पहला तरीका क्या हो सकता है, यू कैन से फ्रोजन आइटम्स, यस और नो? ये एड वैल्यू एड करने का तरीका है। दूसरा तरीका बेटा क्या हो सकता है, कैंड फिश, यू वुड से कौन सा, क्या, कैंड फिश। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला यहाँ तक, कोई सवाल? ठीक है, ओके, शामिल क्लियर है बेटा, ठीक है? तो अच्छा, फिर इसी तरीके से बेटा गवर्नमेंट खुद तो मछली पैक करने नहीं जाएगी ना, तो गवर्नमेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स किस तरह बनवा सकती है कंपनी से, उन्हें क्या प्रोवाइड करे, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। उस रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा क्या आ सकता है, कूलिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या सॉल्ट लगाने के लिए वेयर हाउसेस चाहिए, सारी चीजें, जगह चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर सकती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ये कर सकती है कि भाई जैसे फर्ज करो PMD बेटा किसको कहते हैं, शाबाश, पाकिस्तान, एक्सेलेंट, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट इनको बोले कि भाई आपने जो है वो फिशरमैन को गाइडेंस देनी है थ्रू रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग इज थ्रू रेडियो। किस बारे में बेटा गाइडेंस देनी है, ये वेदर के बारे में। ये गाइडेंस नहीं देनी कि आपने आज खाना क्या है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किसमें ज्यादा है किसमें कम है, आपने किस चीज में गाइडेंस देनी है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि PMD को कहे कि आप फिशरमैन के लिए वेदर अनाउंसमेंट्स करें। तो बेटा इससे क्या होगा, जब वेदर अनाउंसमेंट होंगे तो फिशरमैन को पता होगा कि आज मेरे लिए फिश कैच करने जाना ठीक है और आज मेरे लिए फिश कैच करने जाना ठीक नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से बेटा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मोटर बोर्ड्स किस तरह चलानी है, रेडार्स यूज किस तरह करने, सोनार्स यूज किस तरह करने, ठीक है? क्योंकि बेटा जो ट्रेडिशनल फार्मर होता है वो एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट होता है। क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट, यानी वो ये एंड्रॉयड वगैरह की चीजें समझ नहीं सकता। तो बेटा हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट को क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज बनानी चाहिए, ठीक है बेटा? क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी अश्योरेंस के लिए उन्हें लेबोरेटरीज बनानी चाहिए कि वहां पर मछली टेस्ट हो कि आया ये मछली जो है वो खाने के काबिल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि खाने के काबिल ही नहीं है, ठीक है? इससे होगा क्या, इससे जब आप टेस्ट करेंगे मछली को
तो इससे एक फायदा ये होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इनके जो क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर हमारी मछलियां पूरी उतरेंगी। ठीक है, ये मैंने आपको इसके ऊपर पहले जिक्र छेड़ दिया। जी आयफा, ये पॉइंट में क्या बोला गया है? भाई किसको पॉइंट समझ आया है बोलो? एग्जैक्टली, लेबोरेटरीज में जाकर फिश चेक करें कि फ्रेश है कि नहीं, ताकि अगर नहीं हो तो वो हटा दें, और अगर है तो क्या इस स्टैंडर्ड की है कि वो स्टैंडर्ड WTO और WHO के स्टैंडर्ड्स को क्रॉस कर, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड क्रॉस नहीं कर सकेगा तो हमारे फिश कोई खरीदेगा नहीं। समझ गए बात को? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक? इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो कि शिप्स की वेसल्स, किसको कहते हैं बेसिकली, दीज आर शिप्स विच कैच फिश, शिप्स विच कैच, सही है? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि समंदर के अंदर दूर दराज जो मछलियां हैं, इनको मछलियां नहीं सॉरी जो शिप्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके की मॉनिटरिंग करें। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस पॉइंट में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसके थ्रू वो तमाम उन जहाजों पर नजर रख सके, उनको गाइड कर सके जो मछलियां पकड़ते हैं गहरे पानी में जाके। समझ रहे हैं बात? अब सॉरी नहीं नहीं बोलो, उनको साथ लेके चले, एग्जैक्टली उनको गाइड करे, ठीक है, ताकि वो लॉस नहीं हो जाए। समझ आ रही है बात? और ये काम हमारे पास मरीन फिशरी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, MFD मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, इनको चाहिए कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। बेटा कैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करें? तो आप लोग बोलेंगे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करें जो उन शिप्स पर नजर रखें, उन शिप्स को गाइडेंस किए, गाइड करें, पूरा संभालें, जो कि डीप सी में जाके फिशिंग करते है, ठीक है, ताकि उनको खुदा ना खास्ता किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें प्रोवाइड की जा सके। एक और काम जो गवर्नमेंट कर सकती है फिशरीज को बूस्ट करने के लिए, वो ये है बेटा, वो लीगल फाइन लगा सकती है। किस चीज के ऊपर? चाइल्ड लेबर के ऊपर। बेटा देखो, हमेशा ज्योग्राफी में डेवलपमेंट चेन बनानी होती है। लीगल फाइन लगेगा चाइल्ड लेबर पर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की इमेज जो है वो बेहतर हो जाएगी और हमारे फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाहर बिकेंगे। फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स जब एक्सपोर्ट होंगे तो वहां पर क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगी। समझ रहे हैं? हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। अब ये पॉइंट अगर तुम लोग थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को चैलेंजेस क्या है। तो एक चैलेंज क्या था? तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि प्रमोट हो फिशरीज, तो चाइल्ड लेबर पे गवर्नमेंट को क्या लगाना चाहिए? बैन। लीगल फाइन भी लगा सकती है कि अगर आपने चाइल्ड यूज किया लेबर काम के लिए तो हम आपको इतना जो है ना वो फाइन करेंगे। समझ रहे हो? जब गवर्नमेंट फाइन लगाएगी, चाइल्ड लेबर कम होगा, चाइल्ड लेबर कम होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की इमेज ज्यादा अच्छी बनेगी, हमारे प्रोडक्ट्स की इमेज ज्यादा अच्छी बनेगी, हमारा फिश प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, हमारा फिश प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट और क्या काम कर सकती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट कर सकती है कि आप आए और पाकिस्तान के अंदर फिशरीज के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 एक्वा कल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च। बेटा बेटा साथ में बोलो मेरे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलो बेटा, और साथ में मुझे बताओ कि वो कौन सा इलाका है जहां पर इन्होंने पोर्ट बनाया? पसनी। कौन सा इलाका है? समझ आ रही है बात? 1980s एंड 85 के दरमियान 2 एक्वा कल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स,
अब इसमें मकसद क्या है बेटा, ये याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला कि तुम याद करो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एक अगर बेहतर करना चाहती है तो उसका सिंपल एक तरीका ये है कि इंटरनेशनल इदारों की मदद ले, सच एज एशियन डेवलपमेंट बैंक, सच एज एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन इदारों की मदद लेके फिशिंग को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट चलाए, उन इदारों की मदद लेके फिशिंग को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट चलाए। सबको समझ आ गया। इसी तरीके से सिंध की मिसाल है, सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट जो है वो लोन्स दे सकती है किनको, फिशरमैन को, ग्रांट दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है। सब्सिडीज बेटा हमेशा याद रखना दो फॉर्म में होती है, एक होती है कैश फॉर्म और बेटा एक होती है नॉन कैश फॉर्म। क्या होती है? कैश फॉर्म और नॉन कैश फॉर्म। बेटा कैश फॉर्म का मतलब ये पैसे देना के लो, और नॉन कैश फॉर्म का मतलब ये उनको चीजें देना, जो जो उनकी, जैसे मशीन बोर्ड्स ला दी, मशीनों का खाना ला दिया, सीड्स ला दिया। समझ रहे हैं बात को? ओके, इस पॉइंट में हमने आपको ये बोला कि एक तरीका बूस्ट करने का फिशरीज को ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सिंध की मिसाल दी है, सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट, वो क्या कर सकती है, वो फिशरमैन को लोन दे सकती है, फिशरमैन को ग्रांट दे सकती है, किस अपना घर चलाने के लिए, जी नहीं, फिशिंग को डेवलप करने के लिए, या फिर सब्सिडी दे सकती है, या फिर सब्सिडी दो तरीके की होती है। सब्सिडी को डेफिनेशन बता सकते हैं, व्हाट इज अ सब्सिडी? पूछ भी नहीं रहे हो, गधों की तरह सुन रहे हो। व्हाट इज अ सब्सिडी? अ पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट देती है। और अगर आपसे कभी कोई पूछता है जिंदगी में व्हाट इज अ टैक्स, उसकी क्या डेफिनेशन होगी? अ पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट, अ पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। सही है, एक देती है और एक लेती है, गवर्नमेंट देती भी है और लेती भी है, तो जब वो देती है तो उसको बोलते हैं सब्सिडी, और जब वो लेती है तो उसको बोलते हैं टैक्स। समझ रहे हैं आप बात को? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड इट? ठीक है, तो इस पॉइंट तुम्हें समझ आया रायान, क्या समझे? ग्रांट दे सकती है फिशरमैन को, ठीक है, ताकि वो फिशिंग को बूस्ट करे, जैसे खाना खरीद ले फिश का, और वो अपना क्या नाम है, अगर उसको एम्बार्कमेंट्स बनानी है अपने फिश फार्म के लिए वो बनवा ले, सीमेंट खरीदनी है वो फिश पॉन्ड मजबूत कराने के लिए वो कर ले। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सारे तरीके हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट फिशरीज को बूस्ट कर सकती है, ठीक है, मैकेनाइज्ड बोट्स खरीद के दे दे। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है ना वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकती, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बोले कि जो लोग पैसा लगाएंगे फिशिंग इंडस्ट्री में हम उनको टैक्स हॉलीडेज दे देंगे। क्या दे देंगे? टैक्स हॉलीडेज। जो लोग धंधा करेंगे, जो लोग फिशिंग में पैसा लगाएंगे, हम उनसे उनकी इनकम पर थोड़े टाइम तक पैसा यानी टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा करोड़पति है वो बोलता है यार मैं अपना फिश में पैसा लगाऊंगा इतना तो मेरा टैक्स हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी आप फिक्र नहीं करो, आप लगाओ, आप जो फिश से कमाओगे उसके ऊपर हम आपसे साल तक टैक्स नहीं लेंगे। तो उससे क्या होगा, वो लोग अट्रैक्ट होंगे और वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जब वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी फिशरीज की कंडीशन बेहतर होंगी, हमारी फिशिंग इंडस्ट्री इंप्रूव होगी। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ये मैंने इसका जिक्र पीछे ही कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या बना सकती है? स्टोरेज फैसिलिटीज। ये कोई मुझे पॉइंट लिबर्टी लेके समझा सकते हैं कि मैंने क्या बोला है? एग्जैक्टली, मुझे बताएं बेटा, जो एरिया वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो चुकी होती है जिनके ऊपर, उनके ऊपर क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है? नहीं, वो बैरन हो चुके होते हैं, स्टराइल हो चुके होते हैं, इनफर्टाइल हो चुके होते हैं। तो लेकिन क्या गवर्नमेंट उनके ऊपर स्टोरेज फैसिलिटीज बना सकती है? फैक्ट्रीज तो बना सकती है, कारखाने तो बना सकती है ना उस जमीन के ऊपर। जो जमीन बंजर हो गई आप उसमें खेती नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके ऊपर फिशिंग के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज बना सकते हैं। कोई मसला यहाँ तक? कोई इश्यू नहीं? अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस चीज के ऊपर सोचना है कि क्या हमारी गवर्नमेंट ये सब कर सकती है। यू हैव टू थिंक फॉर चैलेंजेस, यू हैव टू थिंक फॉर चैलेंजेस, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो आप लोगों को दो मिनट दे रहा हूं, आप इसको सोच दैट।
फिशिंग इंडस्ट्रीज को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो पहला प्रॉब्लम फिशिंग इंडस्ट्री को जो फेस करना पड़ता है दैट इज वाटर पॉल्यूशन, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, बहुत सारे तरीकों की वजह से हो सकता है। जैसे ऑयल स्पिल्स हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें से ऑयल लीक हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, वो सारा समंदर में जाता है, समंदर के पानी को खराब करता है। इसी तरीके से जैसे कराची है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी होता है बेटा, ये हम सारा कहाँ दफन करते हैं, सारा समंदर में। जब ये सब समंदर में जाता है बेटा, तो इसके साथ आपका जो वाटर है वो मरीन लाइफ को ले सूटेबल नहीं रहता। मरीन लाइफ में फिशेस की जो है ना वो डेथ होना शुरू हो जाती, समझ रहे हैं आप बात को। यानी कि हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये सारी चीजें टॉक्सिक मटेरियल, जब ये पानी में जाता है, जाता कैसे, या तो बड़ी बड़ी शिप से ऑयल लीकेज हो रहा होता है, ऑयल स्पिल्स, या फिर इंडस्ट्रियल डंप, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है जो हम पानी में डालते हैं। तो इससे होता ये है कि आपकी फिशेज मर सकती हैं। अगर फिशेज बच भी जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फिशेज बड़ी बेगैरत हैं हमारी तरह, तो अगर वो बच भी जाती हैं तो अगर हम उसे फिर पकड़ के खाते हैं तो वो बीमारी हमारे अंदर आ जाती, ठीक है। तभी जो है ना वो कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है, वो एम्बिगस ही रखें। अच्छा, दूसरा मसला हमारी इंडस्ट्री को ये है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। चलो अगेन, हमेशा से तुम लोगों को बताता आ रहा हूँ, ये लैंड है बेटा, क्या है ये लैंड है, ठीक है। इसके ऊपर बेटा बोलो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है बेटा। इसके ऊपर जो है वो हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज किए हुए, क्या किए हुए बेटा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जब ये वॉश होगी फील्ड, ठीक है, जब ये फील्ड वॉश होगी तो बेटा आसपास की जो वाटर बॉडी है, सारा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वाला कमालात है वो किस में जाएंगे, वाटर बॉडी में। जब ये वाटर बॉडी में जाएंगे तो बेटा पानी जो है वो मरीन लाइफ के लिए सूटेबल नहीं बचेगा। अगर मछलियां बच भी जाती हैं तो हम उसे कंज्यूम करेंगे, तो जस्ट इमेजिन कि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के असरात हमारे ऊपर आएंगे। इज इट क्लियर, ये पॉइंट सबको समझ आ गया। इस पॉइंट में किसी को क्वेश्चन है बच्चों? मैंने सिर्फ इतनी सी बात की सिंपल सी कि खेतों में अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं, अगर उसके आसपास कोई वाटर बॉडी है बच्चों, तो अगर आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज किए तो उससे होगा ये कि जब आप उस फील्ड को वॉश करेंगे तो सारे जो आपके केमिकल वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, वो सारे किसमें जाएंगे, पानी में जाएंगे। वो सारे किसमें जाएंगे, पानी में जाएंगे। जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो पानी मछलियों के सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं बचेगा, वो पानी मछलियों के सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं बचेगा, तो उससे हमारी मछलियां जो है वो तबाह हो जाएंगी। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी फिशिंग इंडस्ट्री को ये है। कोई मसला यहाँ तक, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब ये तुम लोगों के ऊपर मैं एक टास्क दे रहा हूं, तुम लोगों को सोचना है यूट्रिफिकेशन किस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ये पुराने नोट्स ताकि तुम लोग रिवाइज करो, ठीक है, थिंक ऑन इट। मुझे अचानक से याद आ गया, इस वजह से इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसी तरीके से और क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं हमारी फिशिंग इंडस्ट्री को, ये तो बहुत कॉमन है यार, तुम लोगों को पता है। आप लोगों ने अगर गलती से वो देखी हो, क्या नाम है, डिस्कवरी वगैरह या ऐसे, तो आपको पता है दुनिया भर में दरिया के अंदर इतना डंप किया जा रहा है ये चीजें कि जो बेचारे टर्टल्स वगैरह है उनके अंदर से प्लास्टिक निकलता है, लोहे की चीजें निकलती हैं। तो हमारे यहाँ पर तो प्लास्टिक का बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो डिकम्पोज नहीं होता, प्लास्टिक जो है ना वो ऐसा का ऐसा सालों साल तक रहता है। तो मसला ये है कि हम जब उसको दरिया में फेंकते हैं तो फिशेस सफोकेट होके मर भी जाती हैं, फंस जाती हैं, वो तो फिर बात की कहानी है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने आज मछलियां फेंकी तो आज सारी फिश बोली हम एक्सटेंट हो रहे हैं। आप माशाल्लाह ऐसी दिमाग से बात करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई इशू तो नहीं। इसी तरीके से एक और मसला हमारे पास ये है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और कोई मुझे बोल सकता है कि हमने ये पॉइंट कभी जिंदगी में किसी टीचर ने हमें बताया? क्या है ये पॉइंट, क्या है, पढ़ो सब, दो मिनट लो, एक सेकंड लो, पढ़ो इसको, क्या है ये? हाँ, पहला वाला थर्मल पावर स्टेशन, पावर रिसोर्सेस का चैप्टर है, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन बेटा चलते कैसे हैं, जो वाटर होता है वो वाटर टर्बाइन, या फिर अगर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको कूलिंग डाउन के लिए भी आपको वाटर चाहिए होता, तो ठंडा पानी लेक्स का, रिवर्स का आता है, वो ठंडा करता है इंजन को, हर चीज को, और फिर वो ही गर्म, वो
खुद वार्म होके दरिया में जाता तो जस्ट इमेजिन पानी जो यहाँ से आ रहे है बेटा वो कौन सा पानी है, वो कूल पानी है, सही है। ये इंजन है यहाँ पर, फर्ज करो ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ कूलिंग सिस्टम्स लगे हुए, यहाँ से पानी होता है और फिर वापस वही किसमें चला जाता है, वॉटर बॉडी में। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो बेटा ठंडा पानी आ रहा है वॉटर बॉडी से, यहीं से आ रहा है ठीक है, और होकर क्या जा रहा है, गर्म। क्योंकि बेटा जब आप पानी किसी गर्म चीज के ऊपर डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली उसको ठंडा करेगा और खुद गर्म हो जाता है। तो ये आप जस्ट इमेजिन करें, मछलियां ठंडे पानी के अंदर रहती हैं, वो पानी हम लेते हैं और उसको वार्म करके वापस डालते हैं, तो मछलियां कितने दिन तक चलेंगी, समझ रहे हैं आप बात को, इंटरेस्टिंग है नहीं है ये पॉइंट। क्या बताया था, देखें ये होती है जो है ना, अभी मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा ना फिर इनको लगेगी मिर्चियां। आप सुन तो नहीं हो, सुन तो नहीं आपका दिमाग, मैं क्या पॉइंट आर्ग्यू कर रहा हूँ, आप क्या आर्ग्यू कर रहे हो। हम बात कर रहे होते हैं पिज्जा बर्गर की, तो अपने पकोड़े है ना घर पे रख के आया करो। मैंने क्या पॉइंट बोला, मैंने ये बोला कि पावर स्टेशन ठंडे करने, मैंने ये बोला कि पावर स्टेशन में जब आप ठंडे करते हैं तो उससे होता ये आपका जो पानी है वो स्ट्रक्चर को ठंडा कर देता है, और वो पानी फिर कहाँ जाता है, पीते फैक्ट्री ओनर्स पीते स्टेशन वाले नहीं, वो पानी तुम्हारा से दरियाओं में जाता है, तो गर्म पानी होके जाता है, तो दरियाओं में गर्म पानी मिलाते रहेंगे तो क्या गर्म पानी में रहना फिशेस की नेचुरल इकोलॉजिकल इनहैबिटेशन है, नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को। तो इससे हमारी फिशेस डिस्टर्ब हो रही है, तो हम तो अपना कूल कर करके समझ रहे हैं बात को, सही है, कोई मसला यहाँ तक। रिपीट कर दू पॉइंट, क्लियर कर लो, ये पॉइंट बहुत यूनिक है, तुम्हें बहुत यूनिक एज देगा अगर लिखोगे तो, सही है कि फिशिंग इंडस्ट्री को बेटा एक थ्रेड किया है, एक थ्रेड ये है कि आप थर्मल पावर स्टेशन को कूल डाउन करने के लिए पानी यूज करते हो, पानी आप लेक या रिवर्स में से लेते हो, वो पानी ठंडा होता है, ठंडे पानी के अंदर मछलियां होती है, जब आप उसको ठंडा करने के लिए यूज कर लेते हो तो स्ट्रक्चर तो ठंडा हो जाता है, आपका थर्मल स्टेशन तो ओके हो गया रेडी टू गो, लेकिन वही पानी गर्म होके जब वापसी दरिया में जा रहा होता है तो वो फिशेस की, समझ गए, इशारे इग्नोर करो ठीक है, समझ गए बात को, आर यू गेटिंग इट, क्या समझे बताओ। मुझे बताए ओवर फिशिंग क्या होती है। एक प्रॉब्लम हमारे पास, तो अभी तक हमने कितने प्रॉब्लम देखे, दो या तीन, चार देखे, पांचवा प्रॉब्लम हमारी फिशिंग इंडस्ट्री को है ओवर फिशिंग। बेटा क्या है ओवर फिशिंग, अब आप लोगों ने दया का वो शेर सुना होगा, आप मेरे जेठालाल के लिए जब वो बोलती है, अब आप मुझे बोलते रहते तो ज्यादा अच्छा लगता ना, आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए जैसे बाजरे की खेत में सांड घुसाए। तो बेटा ये जो अरेबियन सी है, क्या है अरेबियन सी बेटा, इसके अंदर जो हिस्सा, अब देखो सी किसी एक का तो नहीं है ना, बहुत सारे कंट्रीज में लग रहा है, लेकिन अरेबियन सी का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, होता क्या है कि अरेबियन सी में फॉरेन ट्रॉलर्स आते हैं, क्या आते हैं फॉरेन ट्रॉलर्स, ये जो फॉरेन ट्रॉलर्स हैं ये आके बड़े बड़े ब्रीडिंग सीजन में भी जो है ये फिशिंग कर रहे होते हैं, कब कर रहे होते हैं ब्रीडिंग सीजन में भी, और ये लोग इलीगल नेट्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं इलीगल नेट्स ठीक है। किसी ने IUU फिशिंग का नाम सुना है, क्या होती है ये इलीगल अनरिपोर्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, फिशिंग, इसका मतलब ये है कि ये वो फिशिंग है जो गैर कानूनी है, जो इलीगल है, क्या है इलीगल है, क्या है इलीगल। तो ये जो ट्रॉलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रीडिंग सीजन में, यानी जस्ट फर्ज करें मैं एज अ जोक आपको समझाता हूँ, ये मेल फिश है ठीक है, ये फीमेल फिश है, क्या है ये मेल फिश है और ये फीमेल फिश है, ब्रीडिंग सीजन है, ये दोनों आपस में आते हैं बोलते हैं लेट्स मेक इट, ठीक है, ये बोलते हैं चलो हम फिशिंग पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। अब फर्ज करें करीब आ रहे हैं यहाँ पर आए, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, ट्रॉलर जाल में पकड़ लेता है, समझ गए बात को, ब्रीडिंग सीजन में ट्रॉलर, वो बेचारे अपने रोमांस की कहानी चलाने जा रहे होते हैं, ट्रॉलर आके ब्रीडिंग सीजन में बोलते हैं यार कम से कम ब्रीडिंग सीजन में तो छोड़ दो भूखो, सही है, तो उसको कहते हैं ओवर फिशिंग। बेटा ओवर फिशिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ओवर फिशिंग का मतलब होता है व्हेन फिश इज कॉट
when fish is caught more than it is produced naturally. When fish is caught more than which is, it is produced naturally. ठीक है, यानी इसको दूसरी जबान में आप ये कह सकते हैं कि when fishing is done, even in कौन से seasons, even in breeding seasons. कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू? सही है, तो शाज अभी हमें बताएगा फॉरेन ट्रॉलर्स बेटा किस तरीके से ओवर फिशिंग कॉज करते हैं. मैंने क्या पॉइंट बताया दो? हाँ ये वाले नहीं, फॉरेन ट्रॉलर्स. पहले बताओ फॉरेन ट्रॉलर्स क्या होते हैं? बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो मछलियों को आगे पकड़ती हैं अरेबियन सी में. कहाँ पर? अरेबियन सी में. अब बोलो फॉरेन ट्रॉलर्स किस तरीके से ओवर फिशिंग होती क्या, पहले ये बताओ. उसे ज्यादा पकड़ लेना. और ये फॉरेन ट्रॉलर्स कैसे आके ओवर फिशिंग करते हैं? ये इलीगल नेट्स यूज करते हैं. क्या करते हैं? इलीगल नेट्स. किसी को पता है क्या है? वेरी गुड. नेट्स का साइज जो है ना ऑफिशियल साइड इतना होना चाहिए, ऑफिशियल साइड इतना होना चाहिए. अब मेरी बात सुनो, बेबी फिश का साइज इतना है तो बेबी फिश इस नेट के जरिए तो इजीली निकल जाएगी. लेकिन इलीगल नेट्स क्या करते हैं? ये करेक्टिव नेट, करेक्ट नेट है. इलीगल नेट्स क्या करते हैं? अपने जो डॉट्स हैं उनको छोटा कर देते हैं. तो अब बताओ इतनी बड़ी वो निकल सकेगी फिश, बेबी फिश इसमें से? तो वो बेबी फिश, इलीगल नेट्स कैच बेबी फिश. इलीगल नेट्स कैच बेबी फिश, क्योंकि बेटा छोटी मछलियों को बड़ा ही नहीं होने दोगे तो फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी उनकी. ठीक है, इसी तरीके से ब्रीडिंग सीजन में जब वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे होते हैं आप उन्हें आगे पकड़ लेते हैं. ठीक है, इज दैट, डज इट मेक सेंस फॉर ऑल ऑफ यू? आर यू श्योर? ठीक है, ओके. सो शामिल बताओ क्या बोला? मुझे ये बताओ ओवर फिशिंग का मतलब क्या होता है? ओवर फिशिंग क्या होती है? इसको जल्दी से क्विकली दो थ्रू कर लेते कि हमारे मंग्रूव्स, ये कौन था? शाबाश मंग्रूव्स, मंग्रूव्स. वाओ यार, आज से हम इसको मंग्रूव्स बोलेंगे. हमने तो मैंग्रूव सुना था, आज से मंग्रूव्स. अब सीन सुनो यारों, सीन ये है कि ये तुम्हारी जो है ना वो जमीन है. क्या है वो? फर्ज करो ये, अबे स्क्रीन हैं, सुना तो नहीं तुम लोगों ने? चलें ये देखें, रिकॉर्डिंग में सुन ले हाँ क्या बोला था. ये देखो, ये है सॉल्टी वाटर. बेटा कौन सा वाटर है? सॉल्टी वाटर. सॉल्टी वाटर में दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा कीड़े वाला दरख्त है जो पैदा होता है, क्योंकि इसके अंदर बड़े मसले हैं. वो कौन सा है? मंग्रोव. कौन सा है? मंग्रोव. क्या भाई, हमें नया नाम मिला है. अब सीन सुनो क्या होता है बेटा. ये जो रूट्स होती है ना, रूट्स बोलो, इनकी अल्लाह ने क्या, अल्लाह ताला ने इनमें क्या खासियत रखी है बेटा? फिश के लिए न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर, ब्रीडिंग ग्राउंड्स. सही है, समझ रहे हो बात को बेटा? फिश, स्मॉल फिशेस के लिए, फॉर स्मॉल फिशेस. ये चैप्टर फोर में मैंने तुम लोगों को डिटेल में मैंग्रोव्स का इम्पोर्टेंस में पढ़ा दिया था. बेटा जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं वो यहाँ पर, अब तो बचपन में तो हम फिशेज भी बनाते थे, अब तो फिशेज बनाना भी भूल गया हूँ मैं, कैसे बनाते समझ ही नहीं आ रहा ऐसी. नहीं नहीं अरे छोड़ो यार, नहीं बननी. ठीक है, तो इस सही है, ये कुछ ना कुछ फिश जैसी लग रही है. सही है, तो सीन ये होता है कि जो छोटी छोटी स्मॉल फिशेज होती है उनके लिए ये यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. उन्हें क्या मिलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. उन्हें यहाँ पर शेल्टर मिलता है. शेल्टर मिलता है, क्या मिलता है बेटा? किसके अगेंस्ट मिलता है? अगेंस्ट बिग फिशेस. अगेंस्ट बिग फिशेस, यस, अगेंस्ट बिग प्रीडेटर्स. कोई मसला? और यहीं पर वो लोग आके अपना ब्रीडिंग करते हैं. ठीक है, ब्रीडिंग करते हैं. तो होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम मैंग्रोव्स को काट रहे हैं. वी आर कटिंग डाउन मैंग्रोव्स, वी आर कटिंग डाउन. अब अचानक से आप पूछें कि सर आपने ये फिशिंग के चैप्टर में मंग्रूव्स क्यों पढ़ाया? तो मैंने मंग्रूव्स इस वजह से पढ़ाया क्योंकि देखें हम पढ़े थ्रेट्स क्या है, प्रॉब्लम्स या फिर थ्रेट्स या फिर चैलेंजेस.
फिशिंग इंडस्ट्री को एक चैलेंज ये है कि चूंकि हम मंग्रूव्स को काट रहे हैं तो ये जो फिशेज हैं इन बेचारों के लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हो बात को? आर यू गेटिंग इट? शामिर क्या समझे? अगर मैंग्रोव्स नहीं बचेंगे तो हमारी फिश को थ्रेट्स होगा, सही है? सॉरी, गुड क्वेश्चन। व्हाई आर वी कटिंग मैंग्रोव्स? तुम लोग अभी हमने चैप्टर 4 में बेटा डिटेल में गया था, आपके लिए हम इसको अभी आंसर कर लेंगे। बोले टिम्बर और लकड़ा है, वुड है, फर्नीचर बना। कोस्टल कम्युनिटीज फायरवुड फ्यूल वुड के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। अच्छा नहीं, वो तो उसके लिए हम काटते हैं पर्टिकुलरली नहीं। जी नहीं तो आपने समझा ही नहीं भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं? पहले ये बताओ फिशिंग इंडस्ट्री को क्या क्या मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसमें एक मसला ये है कि अगर हम मैंग्रोव्स काटेंगे तो फिशेस को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि ब्रीडिंग ग्राउंड्स है ना मैंग्रोव्स। आर यू ऑल विद मी? कामिल क्या समझे? मैंने ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ मैंग्रोव्स कट करने से फिशिंग इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये बताओ। क्या? हाँ वेरी गुड, बोलो। तक हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, ठीक है। लिखें प्लीज पहला पॉइंट। सस्टेनेबल का मतलब सबको याद हो गया है, ठीक है। लिखें पहला पॉइंट इसके अंदर, यस। टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू मेक फिशिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल इन पाकिस्तान? लिखें पहला पॉइंट, लिखें। To start with, the government of Pakistan can impose a legal ban. To start with, the government of Pakistan can impose a legal ban. on the foreign trawlers which catch fish using illegal nets and in the during the breeding season. To start with, the government of Pakistan can impose a legal ban on the foreign trawlers which catch fish using illegal nets in the breeding season in Consesi in the Arabian Sea, in the Arabian Sea. कोई मसला यहाँ तक? ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। such restrictions can be overlooked by departments like Marine Fishing Department. कोई मसला? Secondly, the government can put a ban on the deforestation of mangroves. Secondly, the government can put a ban on the deforestation of mangroves by the local people
बाय द लोकल पीपल की जगह लिखे बाय द लोकल कोस्टल कम्युनिटीज, बाय द लोकल कोस्टल कम्युनिटीज, बाय द लोकल कोस्टल कम्युनिटीज। कोई मसला नहीं, पक्की बात है। तो ये दो तरीके हो गए। अब इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी मैं दो तरीके खुद लूंगा। आप एक कोई आप में से कोई शेयर, आपकी कौन सी साइट थी आप लोगों की, बोले क्या पॉसिबिलिटी लिखी है सस्टेनेबल बनाने के लिए? हाँ, और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप ये भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट दिस। अच्छा, इसमें ये जो हमने पहला पॉइंट लिखा ना, कैन इम्पोज ऑनली, ठीक है। सो इसमें ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है? ओवर फिशिंग का। ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है? ओवर फिशिंग का, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैन बैन, गवर्नमेंट कैन बैन, देखें गवर्नमेंट कैन बैन, क्या बंद कर सकती है गवर्नमेंट? बोले इंडस्ट्रीज को इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। गवर्नमेंट कैन बैन इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विच गवर्नमेंट कैन बैन इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विच पुट्स अ ग्रेट थ्रेट to the marine life, which puts a great threat to the marine life. समझ गए? इसी तरीके से तुम लोग ये बोल सकती हो कि sustainable बनाने के लिए government can provide good food quality for the inland fish farmers, वो अपने मछलियों को खिलाएं। तुम लोग ये बोल सकती हो अगर sustainable बनाना है तो government ये कर सकती है कि फर्ज करो breeding season में जो है वो किसी को भी fishing करने की इजाजत, टाइम स्लॉट सेलेक्ट लगा सकती है गवर्नमेंट कि आप इस सीजन से इस सीजन में फिशिंग कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फिशिंग यू नो सस्टेनेबल बने तो उसका एक ये भी तरीका है कि आप उन इलाकों में जहां पर यू नो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, आप वहां पर अपने पॉन्ड्स बना सकते हैं, फिश फार्म्स डेवलप कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है, समझ गए? इसमें कोई बता सकता है? मैंने एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं देखो, जैसे मैंने बोला था ना मरीन फिशिंग डिपार्टमेंट, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से सस्टेनेबल बनाने के लिए तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट दूसरे इंटरनेशनल इदारों को बुला सकती है। अब लिखें हाउ एवर, देखें प्लीज, हाउ एवर आर गवर्नमेंट माइट फेस serious obstacles. However, our government might face serious obstacles. Firstly, our population is increasing. And so the demand for fish, our population is increasing, and so the demand for fish, which causes overfishing. ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप? तो our population is increasing and so the demand for fish, ठीक है, which in turn causes over फिशिंग, ठीक है। इसी तरह लिखें secondly our government earns tax revenues from foreign trawlers. Therefore, putting a ban on them will create a loss in revenue.
will create a loss in revenue. Which will create a loss in revenue, which the government cannot currently afford, which the government cannot currently afford. ठीक है, कोई मसला? Which the government cannot currently afford. Thirdly, there is a lot of unreported illegal fishing. There is a lot of unreported illegal fishing, which the government will find troublesome to locate and stop. Thirdly, there is a lot of unreported illegal fishing, which the government will find troublesome to locate and stop. For example, the locals at Kinjar Lake take bribe and allow fishing to visitors. ठीक है, कोई मसला? सो अब लिखें इस बात को. To conclude, fishing can be made sustainable if the above mentioned challenges are overcome and the government also receives help from international organizations and funding or guidance dono likh de from international organizations like WWF Worldwide Fund for Nature like WWF and FAO Food and Agriculture Organization FAO. समझ गए बात को? ये बहुत ही इस पे आपको 6 में से 6 मिल सकते हैं. क्या बेटा? Food and Agriculture Organization. So with this अभी हम past papers की practice शुरू करेंगे. ठीक है, हम past papers करेंगे. आप लोगों को मैं gap